बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एहसान हैदर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ डी आर सानी। नाजरेन देख रहे हैं कि आज जितने भी दोस्त हैं, आज हमने बाइक का इस्तेमाल नहीं किया, हम ऑटो में आए हैं। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। फैज़ान आया हुआ था कराची में, उसका भी वेलकम हो गया और मेरे ख्याल में आज अलविदाई वीडियो भी होगी। पहली बार हमारी वीडियो को हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फैज़ान। और आपके जो कराची वाले दोस्त हैं उनको मेरा सलाम। इतनी बेहतरीन खूबसूरत व्यू आप लोगों के लिए, फैज़ान के लिए। फैज़ान आपके पास आएगा, बोलेगा ए अस्ता ग्रांड है, असंदा अपना ग्रांड है। ठीक है, इंशाल्लाह वो नज़ारे भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त मौजूद है हम ऊपर चोइया के टॉप पे, ऑटो में हम बैठ के आए थे। आगे चलेंगे और खूबसूरत नज़ारे लेंगे और वीडियो शूट कर रहे हैं डी आर सा की। जी नाज़रीन, हम खड़े हुए हैं उस पिक्चर के पास जो मुझे मेरा क्रेडिट जाता है। इसमें साकिब का कोई क्रेडिट नहीं है। ये मैंने फ़ोटो लिया था और मुझे अभी तक जगह मालूम नहीं है कि कौन सी जगह, साकिब को मालूम नहीं है जी। अभी माशाल्लाह जी, किसी ने लिखा हुआ जी क्रेडिट एहसान हैदर न्यूज़, बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ये क्रेडिट दिया। TMA दरबंद ने ये मेरी पिक्चर फेसबुक से उठाई थी, मेरा उनसे गिला भी था, उन्होंने मुझसे माजरत भी की थी, बहुत शुक्रिया। मैंने हमारे चेयरमैन दिलवर साहब से भी मैंने ये कहा था कि, उसने कहा ठीक है जी, आपकी जो पिक्चर हमने ली थी इसका भरपूर हम अजाला करें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन दिलवर साहब, आपने हमारी दाद रसी की। अगर आपने अगर कोई पिक्चर लेनी हुई हो तो ओरिजिनल पिक्चर लें ताकि ये ब्लर ना हो। ये फ़ोटो फेसबुक से उठाया गया था और ये ब्लर आ रहा है। अगर हमसे अगर लेते तो यकीनन ये और इसकी क्वालिटी बेहतर होती। बहुत शुक्रिया, आगे चलेंगे और खूबसूरत नज़ारे लेंगे। मैं साकिब से गुजारिश करूँगा, दरबंद का खूबसूरत व्यू अगर यहाँ से ना हो तो फिर बात ही नहीं है वीडियो की। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं नरयानी के स्टॉप पे। कुछ दोस्तों ने अपने फ़ोटो लिए, ख़ास तौर पे कारी केदा इस तरह निकाल वाले स्टाइल के साथ उन्होंने अपने फ़ोटो निकाले। और उसके बाद जो माशाल्लाह जी फैज़ान ने कहा था कि हमजा थोड़े फोटो होने सही आई है, तू बराबर थे आ, तो वो कुछ फ़ोटो निकाल रहे हैं। हमने कहा चलो यहाँ का एक व्यू ले लें। कुछ नाज़रीन देखेंगे कि ये इस प्यारे से इलाके को, ये देखो खूबसूरत वादी आपको दिखाई दे रही है। वादी नरयानी इशफाक का गांव है, बड़ा खूबसूरत चारों तरफ के जो मनाजर हैं, साकिब आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी है, हरियाली की वजह बारिशें हैं। आजकल बारिशें अच्छी खासी हो रही हैं जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। बड़ा खूबसूरत व्यू देखें, बादल भी आपको नज़र आ रहे हैं। साकिब ने जो ही कैमरा बादलों की तरफ किया तो मेरे मुंह से भी बादल ही निकल गए। बड़े अच्छे अंदाज से साकिब वीडियो बनाते हैं वो आपके सामने, और जितना भी क्रेडिट जाता है साकिब को जाता है क्योंकि ये आप लोगों के सामने खूबसूरत मनाजर ले के आते हैं। तो ये आज दोस्त आए हुए थे, मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बाकी दोस्त तो ऐसे ही थे। अनीस ने फिर थोड़ी सी गैरत दिखाई, एक जम्बो साइज बोतल, बाद में कह रहा सारे पैसे जमा करें, फिर बेइज्जती कर छुड़ेंगे। लेकिन क्या कहें यार, खैर कोई बात नहीं, पहल तो की, आगे चलेंगे और मनाजर लेंगे। कुछ दोस्त यहाँ से उगी से आए हुए थे, वो अपनी कुछ हटके खा रहे हैं, मतलब खकड़ी खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे थे। चलो आगे चलते हैं और मनाजर भी लेंगे। हर एक बंदा आज अपने फ़ोटो वीडियो बनाने के चक्करों में लगा हुआ है, हमने भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें हमारी जो रैंडम सी वीडियो है आपको कैसी लगी। हर एक बंदा अपने अंदाज़ में, जो ही हम कैमरा ऑन करते हैं सारे संभल जाते हैं, यहीं हो गए थे, टैट हो गए थे। लेकिन मैंने कहा चलो देखेंगे इनके जो मनाजर ऐसे होंगे जब खुद बहुत अपने हाल में मगन होंगे तो फिर वो वीडियो भी हम आपके सामने लेने लेके आएंगे। चलो
जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं बगवाई के स्टाप पे। आप देख रहे हैं कि कितने बुलंदों वाला दरख्त हैं। मैं हर वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि दरख्त लगाएं अपने आने वाली नस्लों के लिए, ताकि ये माहौल पुरसकून रहे, यहाँ दूर दूर से लोग आएँ, बारिशें टाइम पे हो और हमारे इलाके को ये ऊपर उठाएँ, ताकि सयाह लोग, घूमने फिरने वाले लोग यहाँ आते रहें। हम आए हुए थे साथ, अपने ही गाँव वाले थे, अपने ही दोस्त थे। हमने कहा चलो आज छोटी सी वीडियो बनाई, लेकिन आज दिल चाह रहा था फैज़ान का। फैज़ान कराची से आया है, पहले यहाँ पर इनकी रिहाइश थी, आजकल ये कराची चले गए हैं, यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं विद फैमिली। तो मेरे ख्याल साल डेढ़ साल के बाद ये दोबारा इसका चक्कर लगा। आज कह रहा चलो चक्कर लगाते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है चक्कर लगाते हैं। पहले मैं और साकिब बाइक पे आते थे, आज हमने ऑटो हायर किया, ऑटो भी अपने कारी का ही है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना ली हमने, आज क्या किया, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली, छोटी सी छोटी छोटी दालें ली, लेकिन अनीस ने एक दाल छुपा ली थी, लेकिन उसके जेब से हमने निकाल ली, क्योंकि हमने गिन के लाई थी, सात थी, तो दूसरी जो आठवीं दाल थी उसके पास थी। मैंने कहा चलो अपना हिस्सा उसने पहले ही ले लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह उसने अपना हिस्सा लिया था। यहाँ खूबसूरत नज़ारे हैं। दूसरी बात है कि अनीस को मैंने कहा अभी जो ये आपने कचरा किया है, इसको हमने यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करना है, शॉपर में डालना है, शॉपर में डाल के हमने एक जगह पर रखना है, ताकि जी सबसे पहले जी कचरा उठा दें, ये आपने उठाते हैं आप, ये ले हम खुद उठाते हैं। चलो ये किसके लिए जी? ये आपके लिए। ये मैंने, अच्छा मैंने अब एक गिलास पी लिया, दूसरा दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कैमरे के सामने इतनी इज्जत दे रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ ये कैमरे के सामने मुझे थोड़ा सा दूसरा गिलास दिया, वरना बाद में जो मुझे पता है वो आपको भी पता। पैसे तो मांगता नहीं, तभी कह रहा तू पैसे मांगा दिया, कशी थी पैसे दिया, है एक दो बोतल आने के लिए सारे को 20 रुपये भी कह था। तो फिर अभी बाद में हिसाब करेंगे कि कितने पैसे बनते हैं। हमजा चुप करके पीना लगे था, वो तो कसरे पालता ही नहीं, खाना पीने के बाद चाल मैं उल्टियों नहीं, मैं खाता कोई नहीं। तो फिर अभी देख रहे हैं, और क्या नाम है, फैज़ान जानू, ये उठा, ये कचरा उठाओ यार, शॉपर में डालो, ताकि जो हमारे देखने सुनने वाले हैं वो भी जाएं, छोटी सी पिकनिक करें, तो अपना जो कचरा एक शॉपर में डाल के ऐसी जगह फेंकें, ताकि आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के बारे में ज़रूर कॉमेंट्स करें। अभी हम एक प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रोन का शूट लेंगे और बताएँगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों से भी कहें ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका आपके अपने इलाके का एक चैनल है, इसको ताकि प्रमोट करें, आगे तक लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उन तमाम का मशकूर हूं जी। देखते रहें एहसान हैदर न्यूज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हामी व नासर।